ये है चक्र व्यू का डिजाइन। और इधर सनाया बता रही है, सनाया बटरफ्लाई है कि ये 5000 साल पुराना पेड़ है। वैष्णो देवी की पिंडी है क्या जा रहा गुफा में? तो गुफा के अंदर आ गए हम लोग। इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये हम लोग शेर के मुंह से बाहर निकल गया। ये शेर का मुंह। ये भी बहुत पौराणिक है। वो सती माता जी को ले जाते हुए ये वासना है। जो वाह भाभी इनकी फोटो लीजिए। हाँ सनाया रिकॉर्डेड है सब जगह। इनको मंदिर में प्रवेश वर्दी हो जाएगा जो इनकी हरकतें हैं। ऊपर चढ़ना मना है सनाया। ये कुआं है नीचे से भी दिखेगा ये कुआं। हाँ ये कुआं है असली। वो जो तखना लिखा है ना वरना वो गिरा था यहाँ पे। सेकंड मंदिर आ गए हम लोग हरेश्वर महादेव। और ये हमारे साथ है कुछ नए प्राणी नए प्राणी बोल रहे हैं। इधर देखो सारे ये भी प्राणी है। हम भी आए हैं। बहुत बढ़िया। इधर से भी जा सकते हैं आगे से भी शॉर्टकट पड़े। एक और एलियन ये कुछ वाला प्राणी है। तो हमारे साथ एक नए प्राणी ने ज्वाइन किया है ब्लॉगिंग में परेश। बताओ भाई परेश क्या बोल रहे थे तुम अभी? बस बहुत खुश हूँ जीजा जी से ज्वाइन करके। फॉलो करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ये एलियन है हमारे एलियन साहब। एलियन एलियन प्राणी सिंगल एलियन। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रमोटर इनको रख ही लो। किसको? परेश को। बता रहे हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। माता के सारे रूपों के बारे में लिखा हुआ है। सेल ब्रह्मचारी माँ चंद्रघंटा और इसके बाद सारे रूप लिखे हुए हैं। चलो सब लोग आ गए दर्शन करके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी दर्शन हो गए। तो फाइनली इस टेंपल का दर्शन हो गया। और यहाँ शंकर भगवान का ये बहुत ही प्राचीन टेम्पल है।
साथ में एक कुंड भी बना हुआ है जो इसके बीचों बीच शंकर भगवान की एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी ज्योति सर, और ये 2022 का ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है यहाँ पे, और ये वो प्लेस है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जूता चप्पल स्टैंड और यहाँ पे कृष्ण जी ने उपदेश देना शुरू किया था भगवत गीता का, और पवन का भी नाम तो यही है। हाँ, अच्छा। तभी तो उपदेश देते हैं। आओ। स्विमिंग पूल चल रहा है। ये भी तो स्विमिंग पूल है। हाँ, ये भी है सर। नाना तो बोलो। और ये पानी है। ओके। अच्छा इधर देखो ये लिखा है, क्या ये क्या लिखा है? मतलब ये मंदिर को कई बार तोड़ा गया है। ये देखिए ईटा दिख रहा है, ये पूरा ईटा है ना। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, कई बार तोड़ा गया है। इधर भी देखिए, इधर ईटा दिख रही है, ठीक है।
क्या दिख रहा है पूरा पूरा दीवार पे निकला हुआ है पर ये भी ईंट है ये दिख रही है जो सारे बराती आ गए। वाह सना ने रूल ब्रेक कर दिया। आगे थोड़ा कॉर्नर में क्या ना पानी हो जाता है गंदा रहता है। हमारे साथ इस बार दूसरी बार फिर कोई से आया है ये मुंबई करेंगे फिर से आएंगे। ये मुंबई से पाप धोने आए हैं। इतने पाप बढ़ गए थे मुंबई ने धक्का मार दिया। अरे अरे अच्छा कोमल भी आ गई। इसके भाई इतने डिस्पिटेड है भाई शादी के लिए कि 21 डुबकी लगा दी ऐसा। अरे मैं तो 51 की डुबकी में मिली है ये 21 डुबकी लिए मैंने सबसे फास्ट 25 मारी है उसने 25 मार लिया। अरे मेरा भी मेरे को 51 डुबकी पे मिली है ये। मैंने तो गलत सुना था। ओए हां तू बैठ जा रुक जा रुक जा प्राचीन गुफा वाली श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। अपना नाम बताओ। मेरा नाम है प्रिय। ओके कहाँ से आए हो तुम? मैं कुरुक्षेत्र से। बहुत बढ़िया। किस क्लास में हो तुम? मैं स्कूल बंद हो गया तो मैं ट्यूशन जाने लग गया। ओके अच्छे लगते हैं इसलिए हम उनके लिए कुछ लाते हैं और ना हम प्रसाद भी लेते हैं। सारी दुनिया में बस अच्छे होते हैं हमारे खाटू श्याम जी। मन गई यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं बताओ प्लीज। जब हमको खाटू श्याम आना पड़ता है हमको कुछ लाना पड़ता है क्योंकि हमको खाटू श्याम बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए हम कुछ करते भी हैं उनके लिए और प्रसाद भी लेते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ ये भी बता दो। चलो लो चलो अब बताना। हाँ ये तो ये कौन है पहले ये बता दो। जो ये कौन है मैं पापा कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं ये बताओ। वो दूसरे देश में कहता है कि उनकी ट्रेन की ट्रैक थोड़ी ऐसे लगती है जैसे कि इसमें पानी है। साइड में ना तब ये मम्मी है तुम्हारी बैठेंगी तब उसके बराबर आएंगे। तो तुम्हारी मम कौन लेके आया तुम्हें यहाँ पे? मेरी मम्मी जितना भी मैं क्या रखती है ना फिर मेरे को खुशी होती है और ये ना मेरा बहुत ख्याल रखती है। दूध देती है खाना देती है। अगर मम्मी दूध खाना नहीं देगी तो ख्याल नहीं रखेगी।
अच्छा, और तुम खाटू श्याम के लिए करते हो? बहुत बढ़िया। हमको खाटू श्याम बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हाँ। जैसे हमारे पीछे हमारी सारी बातें सुनते हैं खाटू श्याम, ऐसे ही बाबा सुबह हम देते हैं पत्नी। और हमारी मम्मी का ख्याल रखना। सुमन यहाँ खड़े हैं कुरुक्षेत्र में खाटू श्याम के मंदिर के अंदर, श्याम दरबार। और श्याम दरबार ये है प्राचीन मंदिर, चंद्रकूट पांडव द्रौपदी को मंदिर है श्याम दरबार। इस मंदिर की विशेषता और इसके बारे में आप बताएंगे? ये सामने बड़ी मूर्ति जो है राजा बबरीक की है। इन्हें राजस्थान में खाटू वाले श्याम बाबा कहते हैं। ये भीम का पोता है, घटोत्कच का बेटा है। ये यहाँ पे युद्ध देखने और लड़ने के लिए आए थे। कहते थे कि जो सेना हारेगी मैं उनकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मैंने हराना कौरवों को है, यदि कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो कौरवों की जीत हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो इनसे इनका शीश दान में मांग लिया था। तब ये जो इनसे शीश दान में मांगा तो पहले इनसे इनकी शक्ति का परिचय लिया गया कि आप यहाँ क्या करने आए हो। भगवान ने इनसे पूछा कि आप क्या करने आए हो? तो ये बोले कि मैं यहाँ पे युद्ध देखने और लड़ने के लिए आया हूँ। मेरी माता ने मुझे यहाँ पे युद्ध देखने और लड़ने के लिए भेजा है। और माता ने ये कहा कि जो सेना हारेगी आपने उसका साथ देना है। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले यहाँ तो बड़े बड़े योद्धा हैं, 18 सेना है, आप तो अभी छोटे हो, आप अकेले इतनी सेना को कैसे खत्म कर सकते हो? तो बोले मेरे पास 3 बाण है जिसमें से मैं 1 बाण से जो सारी सेना को खत्म कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इनकी शक्ति का परिचय लेना चाहा तो कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप अकेले ही सारी सेना को खत्म कर सकते हो? तब ये बोले कि मेरे पास जो बाण है मैं उस बाण से एक से ही जो सारी सेना खत्म कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। तब इन्होंने जो एक तरकस से अपना बाण निकाला और धनुष पे लगाया और जो है सामने भगवान श्री कृष्ण जी का जो पीपल का वृक्ष है इसके सभी पत्तों में जो है एक बाण से छेद कर दो, तब मैं मान जाऊंगा कि आप जो है सारी सेना को अकेले ही खत्म कर सकते हो। तब इन्होंने तरकस से बाण निकाला और जो है पीपल के पत्तों को बांधना शुरू कर दिया। इतने में जो भगवान श्री कृष्ण जी ने एक पीपल का पत्ता जो अपने पांव के नीचे दबा लिया। वो एक पीपल के पत्ते को ढूंढते हुए बाण पहले आकाश में गया, फिर पाताल में गया। पाताल से जैसे ही भगवान के पांव के नीचे आने लगा तब भगवान बोले कि प्रभु अपना पांव हटा लीजिए वरना आपके पांव में छेद हो जाएगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना पांव हटाया तो उस पीपल के पत्ते में भी छेद हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तो बहुत बलशाली, अकेला ही सारी सेना को जो है खत्म कर देगा। तब फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने अगले दिन जो है इनसे कहा कि ब्राह्मण का रूप धारण किया और इनके पास जाकर कि आप राजन हो क्षत्रिय हो, आपका धर्म बनता है युद्ध लड़ना और दान देना। तब इनको अहंकार होगा कि मैं राजा हूँ, क्षत्रिय भी हूँ, दान भी दे सकता हूँ और युद्ध भी लड़ सकता हूँ। तब ये बोले मांगो ब्राह्मण, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। भगवान बोले ऐसे नहीं प्रभु, पहले वचन दीजिए कहीं आप मुकर गए तो। ये बोला मैं आपको वचन देता हूँ राजा और क्षत्रिय की जुबान है, जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। तब भगवान बोले मुझे अपना शीश दान में दे दो। तब ये रोने लगे। भगवान बोले आप क्यों रोते हो, क्या दान देने से डर गए हो? अभी आपने मुझे वचन दिया, अपने वचन को याद कीजिए। तब ये बोले प्रभु मैं यहाँ पे युद्ध देखने और लड़ने के लिए आया था, आपने तो शीश ही मांग लिया, तो मैं कैसे युद्ध देखूंगा और कैसे युद्ध लड़ूंगा? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, आपको यहाँ महाभारत का युद्ध दिखा सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने जो इनका शीश यहाँ स्तंभ के ऊपर रखा था, तब यहीं से जो इन्होंने सारी महाभारत का युद्ध देखा था। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों में भी अहंकार हो गया। भीम कहने लगा कि सबसे ज्यादा मैंने मारे हैं, अर्जुन जी कहने लगे कि सबसे ज्यादा मैंने मारे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये मेरे प्रिय हैं, अनुज हैं और इनमें मैं उत्पन्न हो रही, अहंकार हो रहा है, इनके अहंकार को दूर करना पड़ेगा। तो सोच ही रहे थे भगवान कि इनके अहंकार को कैसे दूर किया जाए। तभी याद आया कि चंद्रकूप के ऊपर जो है राजा बबरीक का शीश रखा हुआ है, उसने वहां से सारी महाभारत का युद्ध देखा। तब भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को लेकर यहाँ पे आए और इनसे पूछने लगे प्रभु आपने सारी महाभारत देखी है, सारी महाभारत का युद्ध देखा है, तो आप बताइए किसने कितने मारे? भीम जी कहते मैंने ज्यादा मारे हैं, अर्जुन जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैंने मारे हैं, तो आप इस बात का निर्णय कीजिए। तब ये कुछ नहीं बोले क्योंकि इन्हें सिर्फ देखने का वरदान था, बोलने का वरदान नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कुएं का जल लेके इनके शीश के ऊपर छिड़का, तब ये बोलने लगे और तभी से इस कुएं का नाम संजीवनी कुप भी पड़ गया था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा प्रभु बताइए किसने कितने मारे? तब ये मुस्कुराते हुए बोले प्रभु यहाँ तो किसी सेना के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, यहाँ तो सिर्फ एक सुदर्शन चक्र चल रहा था और माँ काली जो है खप्पर लेके पीछे पीछे घूम रही थी। तब जाके जो है पांडव का अभिमान टूटा था, करने वाले भगवान ना हम तो नाम मात्र के पुतले हैं। नीचे गणेश जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा रानी जी हैं, इधर दुर्गा माता, ये कृष्ण भगवान, द्रौपदी माता, जिस समय कृष्ण भगवान की उंगली पे चक्र लगा था द्रौपदी माता ने चीर दिया था, अपनी साड़ी का किनारा फाड़ के भगवान कृष्ण जी की उंगली पे बांधा था, इसलिए यहाँ पे द्रौपदी माता का चीर बढ़ाया जाता है। द्रौपदी माता यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी करती है
जिसकी कामना पूरी हो जाती है नारियल वस्त्र और श्रृंगार का सामान चढ़ाता है। नीचे द्रौपदी माता का कुआ है जहाँ पे द्रौपदी माता ने स्नान किया था, गुप्त दान किया था, पांडवों ने तपस्या की थी युद्ध से पहले की युद्ध में हमारी विजय हो। ग्यासा ऋषि जी ने इसके ऊपर तप किया था, परशुराम जी ने इसी के ऊपर आके अपने पिताजी का श्राप किया था, द्रौपदी माता ने इसके ऊपर वरदान दिया था जो यहाँ पर आके गुप्त दान करेगा उसे हजार गुना फल मिलेगा। जैसे भगवान कृष्ण जी ने मेरी लाज बचाई थी वैसे मैं उसकी लाज बचाऊंगी। द्रौपदी माता ने यहाँ पे इसके ऊपर आके अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की थी कि दुर्शासन के खून से बाल धोऊंगी मैं, तो दुर्शासन के खून से बाल धोने के बाद उन्होंने यहाँ पे शुद्ध स्नान किया था। सूर्य ग्रहण के समय इसको एक रंग कभी असली दूध जैसा हो जाता था, यदि आप अपने घर पे भी जल लेके जाते थे तो आपके घर पे पानी सफेद हो जाता था। जय श्री श्याम। ये खाटू श्याम जी की ये वही स्थान है जहाँ पे उनका शीश रखा गया, शीश रखा गया। यहीं से इन्होंने सारी महाभारत देख ली। महाभारत से भी प्राचीन स्थान है, पहले जो है मूर्ति पूजा नहीं होती थी, पहले जो है स्थान पूजा थी, ये तपोभूमि वो है। और ये रास्ता है, ये रास्ता नीचे द्रौपदी कूप की ओर जाता है, द्रौपदी कूप के लिए ये रास्ता जाता है अंदर। और ये मेरे साथ है खाटू श्याम के भक्त। आपने ये सुना होगा हमको शक्ति और कौन देता है, हमारे भगवान जी। चले ऊपर, चलो चलो। बिल्कुल हम लोग ऊपर पहुंच गए। अब यही से जो इनको जो है श्याम नाम की प्रसिद्धि मिली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में जो आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होंगे, ये वो स्थान है श्याम, इसलिए खाटू श्याम। खाटू श्याम में भी जो है बाद में प्रकट हुआ, यहाँ सबसे प्राचीन स्थान यही है, मतलब महाभारत से भी पुराना। हाँ जी, आपका नाम पंडित जी? पंडित अमरदीप। आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? मैं यहाँ जी बचपन से हूँ जी, मेरे पिताजी यहाँ थे, दादाजी हैं, परदादा जी, और कई पीढ़ियाँ हमारी जो इस मंदिर में बीत गई है। ये जो दीवारें हैं वगैरह, पहले थोड़ी दीवार थी जो सारे टूट टूट गए, दीवार जो मतलब अभी दिख रही है इससे भी चौड़ी थी, मतलब ये जो बैठे हैं इनके आगे तक थी। देखो लिख गया, ये प्रिंस का नाम लिख गया है। आज लोग इवनिंग वॉक कर रहे हैं।